मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास लेसन नंबर 2 की हिंदी कल बच्चों आपको दी थी, जिसका नाम था ए बर्थडे पार्टी। ये कल हिंदी आपको कंप्लीट करा दी गई थी। आज इसको जो इसके वर्ड मीनिंग, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर, ये सभी आज आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। आप वीडियो में देख रहे हैं बर्थडे से लेकर के, और ये आपको लिखना है पीस तक, बर्थडे से पीस तक। ये वर्ड मीनिंग हो गई हैं। बर्थडे मीन्स जन्मदिन, पीस मीन्स टुकड़ा। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे। वीडियो में मैंने कल आपको बता दिया था कि हिंदी कंप्लीट लेसन की हिंदी आपको करनी होगी, और हिंदी की एक राइटिंग और एक इंग्लिश की राइटिंग आप डेली करते रहेंगे। एक राइटिंग हिंदी की और एक राइटिंग इंग्लिश की, जिससे आपकी राइटिंग ठीक तरीके से बनी रहे। आप भूलें ना, आप जो अपनी पढ़ाई के संपर्क में रहें। फेयर कॉपी पर ही आपको ये सभी वर्ड मीनिंग लिखने होंगे। अब आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सभी क्वेश्चनों के आंसर हैं हुज बर्थडे इज इट, जन्मदिन किसका है, जन्मदिन किसका है। तो बच्चों, ये आपको, क्योंकि ऑनलाइन ये कैसे आपको भेजे जाएंगे क्वेश्चन, किंतु मैं आपको बुक में से देख करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बच्चों यहाँ पर है, टुडे इज प्रांजल बर्थडे, आज प्रांजल का जन्मदिन है। ये पहली लाइन ही है, टुडे इज प्रांजल्स बर्थडे, आज प्रांजल का जन्मदिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज प्रांजल वियर, प्रांजल ने क्या पहना हुआ है, प्रांजल ने क्या पहना हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रांजल वियर्स ए न्यू फ्रॉक, प्रांजल ने एक नया फ्रॉक पहना हुआ है। प्रांजल वियर्स ए न्यू फ्रॉक, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3, होम डज प्रांजल्स वेलकम, प्रांजल ने किसका स्वागत किया, प्रांजल ने किसका स्वागत किया। तो आपको मैं बुक से ही बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखते रहें, बार बार पेज पलटना होता है। यहाँ से है ये, प्रांजल वेलकम्स ऑल हर फ्रेंड्स, प्रांजल वेलकम्स ऑल हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कैंडल्स हैज़ द केक, हाउ मैनी कैंडल्स हैज़ द केक, केक पर कितनी मोमबत्तियाँ लगाई गई थी। द केक हैज़ 4 कैंडल्स, द केक हैज़ 4 कैंडल्स, ठीक है बच्चों, द केक हैज़ 4 कैंडल, केक पर 4 मोमबत्तियाँ लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द चिल्ड्रन ईट, बच्चों ने क्या खाया, बच्चों ने क्या खाया। इसका आंसर हम यहाँ से ले सकते हैं, द चिल्ड्रन ईट पटैटोज चिप्स बर्गर एंड नंबर्स ऑफ स्वीट्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसको आप अपनी बुक से आसानी से लिख सकते हैं। पहले आप रफ कॉपी पर लिखें, उसके बाद आप उसको फेयर करें, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फाल्स, ट्रू और फाल्स लिखने अपने आप करेंगे। जिन बच्चों ने इस लेसन की हिंदी याद की होगी, वो आसानी से इसमें ट्रू फाल्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टुडे इज प्रांजल्स बर्थडे, आज प्रांजल का जन्मदिन है। तो यहाँ पर आप इसको राइट, आपको लगता है राइट का चिन्ह लगाएंगे, रोंग लगता है तो रोंग का चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों, ये राइट है, एक मैंने आपको बता दिया है, इस पर आप राइट का चिन्ह लगा देंगे, और जिससे ये आगे का क्वेश्चन आपका हो जाए, राइट का चिन्ह लगाएंगे। और सभी क्वेश्चन आप, ये सभी पॉइंट्स आपको करने ट्रू हैं, अगर सेंटेंस ट्रू हैं तो सही का चिन्ह लगाएं, ट्रू राइट का चिन्ह लगाएं, अगर रॉन्ग हैं तो आप क्रॉस लगाएं, और ये ब्रैकेट जो दिए गए इनमें आपको इनके आंसर भरने होंगे। राइट एंड राइट, ट्रू हैं तो ट्रू, फाल्स हैं तो फाल्स, निशान नहीं लगाने, ट्रू या फाल्स लिखने हैं। बच्चों, जैसे ये है, टुडे इज प्रांजल बर्थडे, तो आप यहाँ लिखेंगे ट्रू, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, इनको आपको इसमें से जो भी आपको सही लगता है, हर
नंबर पर दो दिए गए हैं, 8 2 in on 2 on with by, कैसे भरना है इसको। प्रांजल इनवाइट्स, प्रांजल ने आमंत्रित किया ऑल हर फ्रेंड्स, अपने सभी मित्रों को टू द पार्टी में। इस तरह से हम जो हैं इसमें जो भी प्रीपोजिशन सही लगता है उसको भर देंगे। नेक्स्ट में ऑल हर फ्रेंड्स हैव लिटिल पैकेट्स इन देयर हैंड्स, इसमें इन आएगा, क्या आएगा, इन इन देयर हैंड्स, तो इसमें आप सेकंड में इन भर देंगे। इसी की तरह आपको ये चारों के चारों आप कंप्लीट करने, और प्रीपोजिशन यहाँ पर दिए हुए इनको जो सही आता है, सुटेबल आता है, इसको यहाँ पर भर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड, इसमें एक वर्ड करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है, गलत है, तो जो करेक्ट है उसको आपको भरना है। जैसे नंबर एक पर दिया हुआ है कैंडल, मोमबत्ती है, इसकी हिंदी इंग्लिश होती है कैंडल। अब ये तीन इसके आंसर दिए गए हैं, अब इसमें जो आपको सही लगता है वो आप भर सकते हैं। किसी कारण से अगर आपको किसी बच्चे को ये भी जानकारी नहीं है कि हमें भरना कैसे है, कौन सा भरना है या स्पेलिंग कौन सी सही है, तो आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि कैंडल CANDLE, ये स्पेलिंग कैंडल की सही है। यहाँ पर आप टिक लगाएंगे और राइट मार्क लगाएंगे, सही चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से नंबर दो, 1 2 3 4, इस तरह आपको फोर करने, कैंडल हो गया, गिफ्ट हो गए, केक हो गया और बैलून, तो इसमें आपको जो स्पेलिंग सही लगती है उस पर आप सही का चिन्ह लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सुटेबल प्रेडिकेट्स इन द फॉलो, बच्चों ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करने होंगे। जैसे कैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे, जैसे आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारे पिता माता पिता हमारी देखभाल करते हैं, तो इस तरह आप इसको कंप्लीट कर देंगे। आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता इज़ आवर केयरफुल, हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज वेरी गुड, हमारे स्कूल के विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं। इस तरह से आपको नंबर एक से फाइव तक सभी प्रेडिकेट सुटेबल जो प्रेडिकेट होते हैं उनको आप भर करके इसको फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे 1 to 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें जो भी नाउन दिए गए हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना होगा। बच्चों ये वर्ड इसमें गलत दिया हुआ है, ये फ्रॉक है, फ्रॉक, सी हैज़ ए ब्यूटीफुल फ्रॉक, वह एक सुंदर फ्रॉक रखती है या उसके पास एक सुंदर फ्रॉक है, तो इसको हम फाल की जगह फ्रॉक करेंगे, और फ्रॉक इसमें यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉक। द लोयन ऑन द टेबल, यहाँ लिख देंगे द लोयन। इन सभी में से जो भी नाउन आपको लगता है उन नाउन को सेलेक्ट करके उसके सामने फिल करना होगा, ठीक है बच्चों। जो भी नाउन इसमें है, जैसे ओल्ड इज गोल्ड, गोल्ड इसमें नाउन है, यहाँ पर हम इस गोल्ड को लिख देंगे। इस तरह से हम जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज थी, इससे आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब मैंने आपको क्वेश्चन से लेकर के और सभी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, इन वर्ड्स हैं, प्रेडिकेट्स हैं या नाउन्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं, ये सभी आपको इसमें बता दिया गया है। और सभी बच्चे इस सेंटेंस को कंप्लीट करें, एक्सरसाइज को बुक में भरें, क्वेश्चनों को पहले रफ कॉपी पर लिखें, बाद में उसको फेयर करें,
कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको फ़ोन स्कूल नंबर पर फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं कि किस प्रकार हम हेयर कॉपी बनाएं। और ये लेसन नंबर 2 आज आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने ये आपको बता रखा है कि जब तक एक लेसन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप डेली उसी की हिंदी याद करते रहेंगे और डेली जो राइटिंग करनी है उसी लेसन की राइटिंग करते रहेंगे। राइटिंग आप बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कक्षा एक तरीके से थर्ड क्लास की जो अब ऑनलाइन टीचिंग चली हुई है, ऑनलाइन क्लासें जो चली हुई हैं वो थर्ड क्लास की चली हुई हैं। सभी बच्चे अपने हर लेसन पर ध्यान दें, हर सब्जेक्ट के 3-3 लेसन इनके पढ़ाए जाएंगे। उसमें आपका एक हिंदी है सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, SST और साइंस, 5 सब्जेक्ट के 3-3 लेसन आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जिनके पास बुक नहीं है वो बुक के लिए अपना स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।